ये गरम वाला जो स्पैंडल है ये ख़राब हो गया, पानी को बंद नहीं कर रहा, मुसलसल पानी बह रहा है। अभी हम इसको तब्दील करेंगे और आपको चेक करवाते हैं कि इसको कैसे तब्दील किया जाता है। सबसे पहले इसका जो ऊपर हेड लगा हुआ है इसको हमने खोलना है, बंद होता है इसलिए इसको थोड़ा सा किसी भी चीज़ से चोट लगाएंगे और उसके बाद इसको आसानी से खोल लेंगे। ये इसके ऊपर नट लगा हुआ है, इस नट को पिचकस की मदद से हम खोलेंगे। ये बिल्कुल जो है वो फ्री हो चुका है। अभी एडजस्टेबल की मदद से हम स्पैंडल को खोलेंगे, इसका नेक साइड पे कर लेंगे ताकि एडजस्टेबल को मूव करने में आसानी हो। नीचे बेसन में क्योंकि नीचे हमारे पास टीकाक लगा होता है इसलिए हम इधर से नीचे से पानी को बंद कर लेंगे और पानी बंद करके हम आसानी से स्पैंडल को तब्दील कर लेंगे। ये स्पैंडल की कंडीशन है, ये अंदर से इसकी चूड़ी ख़राब हो गई है इसकी वजह से ये इसको बंद नहीं करवा रहा और अभी हम नया स्पैंडल लगाते हैं। हेड को स्पैंडल के ऊपर बैठा के चेक करना है कि ये इसके अंदर फिक्स आ रहा है कि नहीं। अगर इसके अंदर फिक्स नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि स्पैंडल जो है वो उसका नंबर कोई और है, वो बड़ा है। अगर इसके अंदर ये फ्रीली मूव करेगा तो इसका मतलब है कि स्पैंडल जो है वो आपका छोटा है, इसलिए आपने सेम साइज़ का स्पैंडल लेना है और ये इसके अंदर ठीक बैठ रहा है। ये इसके ऊपर सील लगी होती है लेकिन इसके ऊपर हम धागा और टेप इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ से एक तो इसकी ग्रिप अच्छी हो और दूसरा यहाँ से लीकेज ना हो। इसमें बिल्कुल हाथ की मदद से पहले लगाएंगे। हाथ की मदद से टाइट करने के बाद हमने इसको एडजस्टेबल के साथ टाइट करना है। नेक को हम साइड पे कर लेंगे और नेक को उतारा भी जा सकता है अगर नेक तंग कर रही है। इसको हाथ से घुमा के नीचे से पानी खोलेंगे और ये यहाँ से आप पानी बंद कर सकते हैं ताकि आसानी से स्पैंडल को तब्दील किया जा सके। और अभी ये हाथ से वाला काम इसको बंद करके देखा कि सिर्फ इसमें हमारे स्पैंडल के प्रॉब्लम था। इसका हेड लगाएं और ये नट इसके ऊपर लगता है, पेचकस की मदद से इसको लगा देंगे। उसके बाद इसका ये कड़ा लगाएंगे हेड के ऊपर। इसके ऊपर इसका ये ढक्कन लगा।